आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए INLD नेता अभय चौटाला ने अपनी कमर कस ली है। इतना ही नहीं, चौटाला बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल से समझौता करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। हमने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल की तरफ पहले चलकर हाथ नहीं बढ़ाया, चाहे भाजपा थी तो स्वयं हमारे पास चल के आई, BSP थी तो स्वयं हमारे पास चल के आई। अगर कोई प्रदेश के अंदर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए गठबंधन बनेगा, कोई हमारे पास चल कर के आएगा तो उस पर विचार करेंगे। यही नहीं, हरियाणा में लगातार बढ़ रही नशाखोरी के लिए अभय चौटाला ने मनोहर सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। चौटाला ने कहा है कि पुलिस के संरक्षण में नशा बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार बजाय कोई एक्शन लेने के नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रही है। पिछले 2 साल से इस प्रदेश की ऐसी हालत इस सरकार ने बना दी कि नशे का इतना बड़ा प्रचलन हो गया, आज कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव और कोई गली मेरी ख्याल ऐसी नहीं बची जिसमें सरेआम कोकीन ना बिकती हो, जिसमें सरेआम आपकी स्मैक ना बिकती हो। मैंने इस इशू को सरकार के सामने रखा था, लेकिन हैरानी की बात है सरकार ने कोई जवाब देने की बजाय इस पर लीपापोती करने का काम किया। नशा अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो जाएगी और कहीं ना कहीं प्रदेश फिर हमारा पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा। अगर बच्चों को सही राय रास्ते पे नहीं लेकर के जाओगे, नहीं आगे बढ़ोगे तो फिर भविष्य धूमिल हो जाता है। सरकार जो है बजाय नशाखोरी को ख़त्म करने के जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन देती है, उनको संरक्षण देती है। मैंने उदाहरण के साथ चीफ मिनिस्टर के सामने विधानसभा में ये बात रखी थी कि कहाँ कहाँ नशा बिकता है। मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं उस जगह पे कहीं पुलिस को भेजने का काम करूँगा, मैं उस जगह पे इंक्वायरी कराऊँगा। पुलिस के संरक्षण में नशा बिकवाया जाता है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। R9 TV के लिए बल्लभगढ़ से मीर खान की रिपोर्ट।